स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द इनवर्स साइन फंक्शन की। मतलब कि फंक्शन तो आप जानते ही हैं कि एक एक प्रोसेस का नाम होता है जिसमें कि हम जो है वो एक इनपुट जो है वो पुट करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी में स्टोमक को देखें तो एक फंक्शन है जो कि हम फूड जो है एज अ इनपुट जो है वो खाते हैं फूड, और उससे आउटपुट में हमें एनर्जी मिल रही होती है। इसी तरह फंक्शन में भी जो आउटपुट होती है उसको हम रेंज कहते हैं, और जो डोमेन होती है वो हमारे पास इनपुट होती है। ठीक है, और फिर हम जाहिर बात है कि जो डोमेन है हम कहते हैं फंक्शन में ये रिपीट नहीं करनी चाहिए, और रेंज जो है वो रिपीट कर सकती है। और इसी तरह से साइन जो हमारे पास फंक्शन होता है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, जिसमें के हम रेशियो लेते हैं परपेंडिकुलर साइड की हाइपोटेन्यूज साइड से। अब इनवर्स साइन फंक्शन क्या होता है कि इस बात को मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताएं आर्क साइन ऑफ पाई अंडर थ्री बाई टू, चलें अंडर थ्री बाई टू का क्या आंसर होगा, मतलब इसकी क्या रेंज होगी। ठीक है, तो आप इसके लिए अब इसका आंसर करने के लिए क्या आप सोचेंगे या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि बताएं साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री बाई टू ये किसके इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कि हमें यहाँ पर जो है वो हमारे लिए एक कन्फ्यूजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे कहूँ कि बताएं जी साइन जो किस एंगल पर जो अंडर रूट थ्री बाई टू आंसर है, तो इसका आंसर करना हमारे लिए आसान है क्योंकि इसके लिए हम यूनिट सर्कल्स, हमने इसको स्टडी किया हुआ, हम जल्दी से एक यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और हम ये सोचेंगे कि अच्छा हमने जब यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है चले यहाँ पर यूनिट सर्कल नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, जब हमने यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट किया था तो इसमें हमने ये बात नोट की थी कि जो इसमें वाई कोऑर्डिनेट होता है, किस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी हम पॉइंट लें तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है साइन को, और एक्स रिप्रेजेंट करता होता है कोसाइन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंडर रूट थ्री बाई टू का मतलब ये है कि वाई अंडर रूट थ्री बाई टू हाइट पर है। इसका मतलब ये जो हमारे पास जो मैंने येलो कलर में लाइन सेगमेंट शो की है, इसकी ये वैल्यू अंडर रूट थ्री बाई टू होगी। ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए वाई पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में भी होता है, सेकंड में भी ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रेडियस वन है इसलिए ये यूनिट सर्कल है। अब ये बात हम जानते हैं अगर हम पिथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है ये आ जाती है 1/2, और ये कौन सी ट्राइंगल में ऐसा होता है कि जिसका हाइपोटेन्यूज जो इसकी एक साइड का डबल होता है, ये होता है 90 30 60 की ट्राइंगल में। मतलब कि जिसमें ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 60 का और एक 30 का, तो 30 के सामने जो साइड होती है हमेशा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है इसका, तो ये एंगल 30 और ये 60, तो हम बड़ी क्विकली ये बता सकते हैं अच्छा जी एंगल 60 होगा जिस पर के आंसर अंडर रूट थ्री बाई टू आ रहा है। तो इसी तरीके से अब आपसे कोई अगर यूं पूछ रहा है कि बताएं आर्क इनवर्स ऑफ या सॉरी आर्क साइन ऑफ अंडर रूट थ्री बाई टू ये किसके इक्वल है, तो आप यहाँ पर 60 डिग्री सॉरी 60 मतलब जो है वो अगर डिग्रीज में बात करें 60 कहेंगे, और अगर रेडियंस में बात करें तो आप पाई बाय थ्री रेडियंस के हवाले से कहेंगे कि ये पाई बाय थ्री रेडियंस हो सकता है या 60 डिग्री एंगल हो सकता है। ठीक है, अब उस बात को भी हम यहीं से समझ लेते हैं कि जैसे अंडर रूट थ्री बाई टू तो यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो ये ट्राइंगल हमारी इधर भी कंस्ट्रक्ट हो जानी थी, सेम ट्राइंगल, मतलब ये रेडियस आपका 1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका वाई चूंकि पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी, ये भी अंडर रूट थ्री बाई टू, और ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 1/2, तो इसका मतलब ये एंगल, अगर ये एंगल 60 का बन रहा हो ये एंगल 30 का, ठीक है तो ये जो इसका एक्सटर्नल एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, मतलब 180 में से मैं ये इंटरनल एंगल 60 माइनस कर दूंगा तो ये 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर तो हम यूं बात कर सकते हैं कि फिर जो ये साइन इनवर्स फंक्शन है हमारा ये तो फिर अंडर रूट थ्री बाई टू पर दो आंसर दे रहा है, एक दे रहा है पाई बाय थ्री, ठीक है, और साथ में जो है ये पाई बाय जो है वो बल्कि 120 डिग्री को हम जो है वो इस तरह से लिख लेते हैं, 120 डिग्री को अगर हमने चेक करना हो कि कितने रेडियन होता है इसको हम पाई रेडियन ओवर 180 डिग्री से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 62 टाइम 120, 63 टाइम 180, तो ये बना 2π/3। इसका मतलब कि यहाँ तो हमें जो क्या कह सकते हैं एक डोमेन पर दो रेंज मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, हमें कुछ इसमें तरमीम करनी होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी। ठीक है, नहीं तो फंक्शन की डेफिनेशन जैसे मैंने ऊपर बताई कि डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे तो रिपीटेशन शुरू हो जाती है। तो फिर हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं
इनमें रिपीटिशन, जब हम मेन फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी वैल्यूज को दोहरा रहे होते हैं, तो जब इनका इन्वर्स फंक्शन लिया जाता है तो वो जिन जिन वैल्यूज को एंगल्स पर दोहरा रहे होते हैं वो उनकी डोमेन में आ रही होती हैं वो वैल्यूज, ठीक है, मतलब वो वैल्यू डोमेन में और रेंज में हमें जो है वो उसके मतलब एक डोमेन पर उसकी बहुत सी वैल्यूज आ रही होती है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो हर मतलब अपने पीरियड के बाद, ये बात हम जानते हैं कि 2π जो है वो पीरियड होता है साइन फंक्शन का, ठीक है, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, तो इसका मतलब है कि अगर हमें एक वैल्यू पर साइन इनवर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो साइन इनवर्स अगर अंडर रूट 3/2 पर एक सर्कल के अंदर दो वैल्यूज दे रहा है, तो फिर वन जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा सेकंड सर्कल स्टार्ट होगा तो फिर दो वैल्यूज देगा, फिर थर्ड पे दो वैल्यू, तो इस साथ बहुत सी वैल्यूज रिपीट होंगी जो कि एक फंक्शन की डेफिनेशन के क्या है जी खिलाफ है। तो हम फिर यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हमने देखा कि जो हमारा साइन फंक्शन है, हमारा जो साइन फंक्शन है इसकी जो रेंज होती है अगर हम इस यूनिट सर्कल से देखें, तो हमने देखा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है, मतलब ये इससे ना तो छोटी वैल्यू दे सकता है -1 से, ना 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू दे सकता है, ये तो हमने साइन फंक्शन को स्टडी किया। और फिर इसी तरीके से जो इसकी डोमेन थी थीटा, जो हम एंगल हमने सेलेक्ट किया था वो हमने देखा था कि वो बिलोंग कर रहा था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, क्योंकि ये इस जो डिफाइन होता है फंक्शन ऑल रियल नंबर्स पर, ठीक है, इस वजह से हमने देखा था कि जब हमारी हमारा फंक्शन जो है वो तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन हो तो उसकी डोमेन में वो तमाम रियल नंबर्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आई। लेकिन जब हम साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं तो अब हम इनवर्स जब फंक्शन लेंगे तो इनवर्स फंक्शन में यहाँ पर जो हमारे पास मतलब अगर साइन थीटा जो है अगर फर्ज करें वाई के इक्वल है तो साइन इनवर्स ऑफ वाई जो होगा वो फिर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, तो वाई बेसिकली नंबर है जो कि हम रियल नंबर पुट करते हैं और फिर इसको ऑपरेट करके इसका आंसर रेडियंस में हम लिख रहे हैं, जो कि एक रेशियो होती है, एक मतलब एक हम नंबर्स को रेडियंस में लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स ऑफ जो वाई आएगा हमारा वो इसकी जो मतलब जो यहाँ पर ये रेंज बनेगी जो कि एंगल है ये हमें 1 पर मैक्सिमम मतलब इसकी जो रेंज आ रही है और -1 पे इसकी मिनिमम रेंज आ रही है, ठीक है, तो किस एंगल पर जो है ये 1 वैल्यू आती है इसकी साइन की, ये हमने देखा था कि ये साइन 90 जो होता है साइन यानी π/2 ये होता है 1 के इक्वल, और साइन -π/2 ये होता है किसके इक्वल, -1 के इक्वल। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने जो है वो -π/2 क्यों सिलेक्ट किया, मैंने मतलब ये भी तो हो सकता था कि मैं यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करता हुआ आता, ठीक है, पाई एंगल से होते हुए हम 3 मतलब 3π/2 से होते हुए फिर आते आगे, तो इसका ये रीजन है कि मैंने जिसका भी आपको बताया कि ये वैल्यू रिपीट होती है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है साइन फंक्शन को जो कि पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए जो हम इसका हाफ बनाते हैं मतलब हाफ सर्कल में डिवाइड कर लेते हैं साइन फंक्शन को, और इसमें ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम इसका सिलेक्ट करते हैं, और इसमें हम चूंकि हम जानते हैं कि 90 पर ये पॉइंट जब हमारा इधर मूव करता हुआ आएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ आएगा तो जाहिर बात है कि ये 0 से -90 तक एंगल बनाएगा, और इस पॉइंट पर एब्सिसा 0 होता है ऑर्डिनेट -1, तो यहाँ से हम साइन की रेंज को जो है वो समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि जो एंगल है मैक्सिमम एंगल मिलेगा वो π/2 रेडियन होगा और मिनिमम जो एंगल होगा वो -π/2 रेडियन में एंगल होगा, और इसी तरीके से जो रेंज हमारे पास आएगी, ठीक सॉरी जो इसमें डोमेन हमारे पास आएगी, ठीक है, जो कि वाई है, जो कि क्या है जी वाई है, जो कि हम इधर इसमें इनवर्स फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है जी, वो हमारे पास जो डोमेन है वो मैक्सिमम हम 1 पुट कर सकते हैं और मिनिमम जो है वो -1, और इनके दरमियान जो वैल्यूज आ रही हैं वो तमाम हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास जो साइन इनवर्स फंक्शन है ये इसकी डोमेन आ जाएगी, ठीक है, और ये हमारे पास जो है इसकी रेंज आ जाएगी जो कि हमने देखा, इसको अगर हम एक क्लोज इंटरवल में लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि -π/2 2π/2 ये है रेंज, ठीक है, और नीचे मैंने आपको डोमेन बता दी है, तो इस तरीके से हमने जो साइन इनवर्स फंक्शन है जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जो फंक्शन होता है साइन ऑफ थीटा ये उसका इनवर्स फंक्शन होता है, उसको आज हमने स्टडी किया और उसकी डोमेन और रेंज को भी देखा।